वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग ब्लू चिप फाइनेंस और आज की वीडियो के अंदर हम फाइनल अकाउंट्स की 2013 और 2014 का जो पेपर है आईकॉम वन का उसको हम डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपका एक्सटेंसिव क्वेश्चन है 2013 के पेपर में फाइनल अकाउंट से रिलेटेड उसमें ट्रायल बैलेंस गिवन है और साथ नीचे एडजस्टमेंट्स इसकी गिवन है और हमने बनानी है जी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तो जैसा कि मैं हर दफ़ा आपको इंस्ट्रक्ट करता हूं कि सबसे पहले स्टार्ट करें हमेशा एडजस्टमेंट्स से एडजस्टमेंट्स जो हैं वो दो जगह पर ट्रीट होती हैं और जिस वक्त हम एडजस्टमेंट सारी ट्रीट कर चुके हैं तो उसके बाद ट्रायल uh, बैलेंस के जो रिमेनिंग बैलेंसेस हैं उनको हम डील करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन दिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड वॉज रुपीज सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो क्लोजिंग स्टॉक जो है ये हमेशा दो जगह पे ट्रीट होगा एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर और एक आपके एसेट में बैलेंस शीट में ये ट्रीट होगा तो ये हमने यहाँ पर ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड के ऊपर एक तो ये ट्रीट कर दिया इसको हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये पता लग सके कि हम इसको ट्रीट कर चुके हैं और एक जो है ये एसेट साइड के ऊपर बैलेंस शीट में इसको हम ट्रीट कर देंगे ये हमेशा जब भी क्लोजिंग स्टॉक जो है आपको गिवन होगा एडजस्टमेंट में याद रखें कि अभी जो बात हो रही है वो सिर्फ़ एडजस्टमेंट की हो रही है तो एडजस्टमेंट्स हमेशा दो जगह पे ट्रीट की जाती हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बाकी फिगर्स हैं एडजस्टमेंट से हट के वो हमेशा एक जगह पे ट्रीट होंगे दूसरी जो एडजस्टमेंट है जी वो है डेप्रिसिएट मशीन बाय टेन परसेंट एंड फर्नीचर बाय ट्वेंटी परसेंट तो डेप्रिसिएशन का वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर थोड़ा सा बताता चलूँ आपको कि डेप्रिसिएशन जो है वो वियर एंड टीयर वैल्यू है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनमें वक्त के साथ साथ जो उनकी वैल्यू है उसमें जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं एक ट्रीटमेंट तो ये है कि चूंकि मशीन और फर्नीचर ये दोनों आपके एसेट हैं तो बैलेंस शीट में जिस वक्त एसेट्स में हम लिखेंगे तो ये जो परसेंटेज बताई गई है ये रिड्यूस करके हम लिखेंगे और एक हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर एक्सपेंस के अंदर हम इनको ट्रीट करेंगे तो ये दो इसकी ट्रीटमेंट्स हैं तो इसके अंदर जो मशीन है वो टेन परसेंट और फर्नीचर ट्वेंटी परसेंट तो पहले हम इनकी ज़रा बुक वैल्यू देख लें कि क्या क्या गिवन है फर्नीचर फिफ्टीन हंड्रेड है और प्लांट एंड मशीन ट्वेंटी फ़ोर है तो यहाँ पे अगर देखें मशीन टेन परसेंट है तो प्लांट एंड मशीन ट्वेंटी फ़ोर का टेन परसेंट जो है ये ट्वेंटी फोर हंड्रेड बनेगा तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड सबसे पहले तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन कर दिया और जब हम बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर क्योंकि ये प्लांट एंड मशीन आपका एसेट है तो हमने याद रखें कि हमेशा बुक वैल्यू लिखनी होती है यानी कि जो लेटेस्ट वैल्यू है अब उसकी वो अब ट्वेंटी फ़ोर थाउज़ेंड नहीं है बल्कि ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है इसी तरह जो फर्नीचर है फ़र्नीचर की जो करंट इसकी इस साल के अंदर जो इसकी थी बुक वैल्यू वो थी 1500 और हम जिस वक्त इसको फर्नीचर की जो डेप्रिसिएशन है आ, वो 20% परसेंट है तो 1500 का 20% परसेंट हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे इसका 20% परसेंट थ्री बनेगा तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको रियलाइज़ किया और उसके बाद एसेट के अंदर हम फिफ्टीन हंड्रेड माइनस डेप्रिसिएशन ट्वेल्व हंड्रेड हम इसकी न्यू बुक वैल्यू जो है वो मेंशन कर देंगे उसके बाद जो थर्ड एडजस्टमेंट है आपकी वो है वेजेस रुपीज़ फाइव थाउजेंड एंड सैलरीज रुपीज़ ट्वेल्व हंड्रेड आर आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि ये आपके ऊपर ड्यू हो चुकी हैं लेकिन अभी तक आपने इनको पे नहीं किया अगर पे नहीं किया तो एक ट्रीटमेंट तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी के अंदर चले जाएंगे ट्वेल्व हंड्रेड और फाइव थाउजेंड और दूसरा ये जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनके अंदर ये अप हो जाएगा तो वेजेस चूंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है ये आपका ट्रेडिंग में आएगा और सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा याद रखें कि एक्सपेंसेस का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड के ऊपर आते हैं और रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है तो वो हमेशा हम क्रेडिट साइड के ऊपर लिखते हैं तो यही वजह है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं चाहे डायरेक्ट हैं चाहे इनडायरेक्ट वो हम प्रॉफिट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर ही लिखते हैं तो वेजेस और सैलरीज दोनों आपके एक्सपेंसेस हैं तो ये एडअप हो जाएंगे वेजस uh, जो है फोर्टी uh, थाउजेंड थी अगर आप ट्रायल बैलेंस के अंदर जाकर देखें आ, तो ये आ गई जी सैलरीज 24,000 और दूसरे नंबर पर वेजेस जो हैं वो आपको यहाँ पे ये गिवन है 40,000 तो ये आपकी आगे आ गई ये ट्रायल बैलेंस नहीं इन्होंने जस्ट डाटा आपको दिया है ये ट्रायल बैलेंस नहीं है ट्रायल बैलेंस के नीचे टोटल डेबिट क्रेडिट साइड का लिखा होता है तो खैर ये हमने वेजेस के अंदर ये ऐड कर दिया जी फाइव थाउजेंड और इसी तरह सैलरीज़ के अंदर आ, हमने आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया ट्वेल्व हंड्रेड और ये दोनों ट्वेल्व हंड्रेड और फाइव थाउज़ेंड ये आप लाइबल हैं इसको पे करने के तो ये दोनों लाइबलिटीज़ में भी चले जाएंगे और ये आपकी आगे जी सैलरीज़ आउट लाइबिलिटी के अंदर और उसके बाद फ़ाइव आ गया ज इज़ आउटस्टैंडिंग और उसके बाद जो आपकी फोर्थ एडजस्टमेंट है राइट ऑफ रुपीज़ फाइव हंड्रेड एज बैड डेट्स एंड क्रिएट आ रिज़र्व ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट फाइव परसेंट एंड रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट टू परसेंट ये जो एडजस्टमेंट है ये मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि एक फार्मूला है उसको लाजमी तौर पर आप फॉलो करें अपनी हैबिट बनाएं ये बैड डेट्स के ऊपर इस फार्मूले से अगर आप डेविएट करेंगे अगर आप हटेंगे इससे तो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा अब फार्मूला क्या है फार्मूला बैड डेट्स का जब भी जिक्र आए तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपने याद रखना है कि बैड डेट्स एड राइट ऑफ एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन ये चार चीज़ें आपने याद रखनी है डिस्काउंट का क्या इशू है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं लेकिन सबसे पहले ये फार्मूला ज़रूर आप कहीं ना कहीं पे लिखें और इसको याद रखें बैड डेट्स एड राइट ऑफ एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन और इसके अंदर आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जो चार कंपोनेंट्स हैं इस फार्मूला के इसके दो कंपोनेंट्स आपको हमेशा एडजस्टमेंट्स में मिलेंगे और दो कंपोनेंट्स हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे इसमें जो बैड डेट्स है फर्स्ट और लास्ट बैड डेट्स एंड ओल्ड प्रोविजन ये हमेशा आपको मिलेंगे ट्रायल बैलेंस से और जो राइट ऑफ और न्यू प्रोविजन है ये हमेशा आपको मिलेगी एडजस्टमेंट में अब फार्मूले की तरफ अगर हम चलें तो सबसे पहले आ जाएगा जी बैड डेट्स तो बैड डेट्स जो हैं यहाँ पर आ, आप आ, तलाश करें ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन है तो ठीक है अगर नहीं गिवन तो जीरो कर दें लेकिन यहाँ पर गिवन है तो बैड डेट्स जो हैं ये आगे वन थाउजेंड एड राइट ऑफ राइट ऑफ आपको मिलेगा एडजस्टमेंट में राइट right ऑफ आगे फाइव हंड्रेड तो बैड डेट्स वन थाउजेंड एड राइट ऑफ बैड डेट्स वन थाउजेंड एड राइट ऑफ एड न्यू प्रोविजन अब न्यू प्रोविजन जो है उसके अंदर आपने ये माइंड में रखना है कि जिस वक्त आप न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे जैसे फाइव परसेंट है तो ये हमेशा कैलकुलेट होती है सनडी डेटर्स के ऊपर फाइव परसेंट सनडी डेटर्स का लेकिन उसमें अगर राइट ऑफ गिवन है तो माइनस करके आपने वो लेना है फॉर एग्जांपल राइट ऑफ है फाइव हंड्रेड और सन्डी डेटर्स हैं यहाँ पर आपके पास uh, सन्डी डेटर्स फोर्टी तो ये आपने हमेशा 500 जो हैं इसमें से माइनस करने हैं अगर नहीं गिवन राइट ऑफ तो ठीक है वो तो स्ट्रेट अवे फिर इसका 5 परसेंट आ जाएगा बट इफ़ राइट ऑफ इज गिवन देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट राइट ऑफ आउट ऑफ दिस संडीटेटर अमाउंट दैट इज़ 40,000 थाउजेंड सो 40,000 थाउजेंड माइनस फाइव दैट विल बी इक्वल टू थर्टी एंड टेक फाइव ऑफ दिस थर्टी तो ये आपकी आ जाएगी न्यू प्रोविजन फोर्टी थाउजेंड माइनस फाइव हंड्रेड एंड टेक फाइव परसेंट ऑफ़ दैट सो वन नाइन सेवन फाइव इज़ योर न्यू प्रोविजन अब ओल्ड प्रोविजन जो है वो आपकी हमेशा आपको मिलेगी आपकी ट्रायल बैलेंस से तो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड एट रिजर्व ये देखें ये इसकी ओल्ड प्रोविजन है तो ये इसका सबसे आई थिंक कम्प्लेक्स फार्मूला है इसको एक दफ़ा लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर एक दफ़ा ये फार्मूला आप अप्लाई करने के आप आदि हो गए तो फिर इसका प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा फार्मूला है बैड डेट एड राइट ऑफ एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगी अगर है तो लिखें अगर नहीं है तो ज़ीरो लिख दें और राइट ऑफ़ और न्यू प्रोविजन हमेशा आपको मिलेगी आपकी एडजस्टमेंट्स में से अब यहाँ तक तो हमने कर लिया अब इसकी सेकेंड ट्रीटमेंट क्या है सेकेंड ट्रीटमेंट ये है जी कि सन्डी डेटर्स जो हैं उसमें हमेशा रा, राइट ऑफ़ और न्यू प्रोविजन हमेशा लेस होगी तो राइट ऑफ़ तो गिवन है जी 500 और न्यू प्रोविजन जो है वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया 1975 तो यहाँ पर आपने जो सन्डी डेटर्स हैं आपके 40,000 उसमें से आपने राइट ऑफ़ भी माइनस कर दिया और न्यू प्रोविजन जो है वो भी आपने यहाँ पर माइनस कर दी ये आपकी आ गई न्यू प्रोविजन और ये आ गया आपका राइट right ऑफ 500 आउट ऑफ 40,000 अब यहाँ पर आगे एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि आप जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है उसको भी बीच में से निकालें टू परसेंट डिस्काउंट ऑन डेटर्स तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने देखना है जी कि आपकी जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो क्या है देखें सबसे पहले तो आपने संडी डेटर्स लिखे उसके बाद अगर राइट ऑफ गिवन है तो वो भी माइनस हो जाएंगे राइट ऑफ क्या है राइट ऑफ वो अमाउंट है जो आपने अपने डेटर्स को छोड़ दिया आपने वेव ऑफ कर दिया तो वो आपका राइट ऑफ बन जाएगा 1975 आपकी ये न्यू प्रोविजन है जो नया अंदाज़ा आपने लगाया है कि ये अमाउंट आपको मिलने का इम्कान नहीं है ये आपने लगा लिया तो ये सारी इसमें से माइनस कर दें और डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपने ये भी देखा है कि प्लान किया है या सोचा है कि आपको अपने डेटर्स को डिस्काउंट भी देना पड़ेगा अब डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा टू परसेंट तो आप रिमेनिंग अमाउंट का यानी ये 500 तो आपने वेव ऑफ़ कर दिए राइट ऑफ कर दिए और ये 1975 आपका एस्टीमेट है कि ये मिलने का इम्कान नहीं है न्यू प्रोविजन तो रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर निकलेगा ना यानी जो आपने डेटर्स एक्चुअल डेटर्स हैं आपके उनके ऊपर आपने टू निकाल लिया तो ये टू बन गया सेवन ये 750.5 जो है ये भी इसमें से सन्डी डेटर्स में से माइनस हो जाएगा यानी कि आपके पास जो नेट सनडी ड हैं वो इस वक्त 40,000 नहीं है बल्कि 36774.5 है इतनी अमाउंट आपने मार्केट से कलेक्ट करनी है उसके बाद आपकी जो फिफ्थ एडजस्टमेंट है वो है इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन वन फोर टू थाउजेंड एंड नो इंटरेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड सो फार आपने इन्वेस्टमेंट की कोई जो कि यहाँ पर गिवन है आई थिंक ये फिफ्टी थाउजेंड इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अभी तक आपको नहीं मिला अब सबसे पहले तो आप देखें कि आपका जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो कितना है सिक्स परसेंट सिक्स परसेंट अगर इंटरेस्ट है तो फिफ्टी थाउजेंड का जो सिक्स परसेंट है उसको कैलकुलेट करें फिफ्टी थाउजेंड का सिक्स परसेंट जो है वो बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स दैट इज़ इक्व टू थ्री थाउजेंड बट थ्री थाउजेंड इंटरेस्ट इज़ रिलेटेड टू वन ईयर सो डिवाइडेड बाई ट्वेल्व टू फिफ्टी आपका मंथली इंटरेस्ट है और ये आप इन्वेस्टमेंट कब कर रहे हैं वन फोर टू थाउजेंड यानि फर्स्ट अप्रैल को तो इसका मतलब है कि जो जनवरी फेबररी और मार्च है ये बीच में से निकल जाएंगे और रिमेनिंग आपके पास जो मंथ्स हैं वो हैं नाइन तो मल्टीप्लाई बाय नाइन टू टू फाइव ज़ीरो टू टू फाइव ज़ीरो जो है इंटरेस्ट ये आपको मिलना है याद रखें आप इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपके लिए इनडायरेक्ट रेवेन्यू है इनडायरेक्ट रेवेन्यू जो है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड के ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट इज़ टू टू फाइव ज़ीरो अब चूंकि ये अभी तक आपको मिला नहीं है आपने इसको रिसीव करना है इन फ्यूचर तो ये आपका एसेट भी है तो ये एसेट जो है ये इन्वेस्टमेंट और ये इंटरेस्ट ये आपका आ जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे यानी कि ये इन्वेस्टमेंट आ गई फिफ्टी थाउजेंड एंड टू टू फाइव ज़ीरो आपका एकूड इंटरेस्ट आ गया तो ये आपने कर ली जी अब आपके पास जो आपकी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं इन्वेस्टमेंट भी आप रिकॉर्ड कर चुके हैं और इसके अलावा आप सारी चीज़ें जो भी हैं जो रिलेटेड हैं एडजस्टमेंट से वो रिकॉर्ड कर चुके हैं अब आ जाएं रिमेनिंग आपके पास जो इसके ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल कैपिटल इज़ योर लाइबिलिटी और कैपिटल में से आप या चलें वो बाद में बात करते हैं कि ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस होती हैं तो चलें साथ इसको भी ले लेते हैं तो कैपिटल आपका अब ट्रायल बैलेंस के जितने फिगर्स हैं वो हमेशा सिंगल ट्रीट होंगे तो सबसे पहले कैपिटल लाइबिलिटी में और ड्राइंग्स उसमें से माइनस हो जाती हैं वन ट्वेंटी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी वन थाउजेंड तो ये आप बैलेंस शीट में आ गए वन ट्वेंटी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी वन थाउजेंड ये आपने माइनस कर दिया उसके बाद आप आए जी स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ये हमेशा ट्रेडिंग की डेबिट साइड के ऊपर आता है फोटी फाइव थाउजेंड ये आपने ट्रेडिंग की डेबिट साइड के ऊपर इसको ट्रीट कर दिया उसके बाद आपके पास आ जाता है जी सेल्स फ़ोर थर्टी फाइव थाउजेंड तो देख लें कि इसमें अगर रिटर्न्स हैं तो वो माइनस हो गई तो ये सेल्स रिटर्न्स हैं सेवन थाउजेंड तो फोर थर्टी फाइव थाउजेंड माइनस सेवन थाउजेंड शुड बी प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट ये आपने यहाँ पे नेट सेल्स लिख दी इसी तरह आपके पास uh, आगे परचेज है परचेज रिटर्न्स हैं और परचेज हैं टू नाइन्टी फाइव थाउज़ेंड एंड परचेज रिटर्न फ़ोर थाउजेंड तो परचेजेज़ में से रिटर्न जो हैं ये माइनस करके टू नाइन्टी फाइव थाउजेंड माइनस फोर थाउजेंड आपकी जो नेट परचेज हैं वो ट्रेडिंग की डेबिट साइड के ऊपर आ गई ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दी उसके बाद आप अगर आगे चलें तो रेंट आप पे कर रहे हैं तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है शुड बी प्लेस्ड ऑन द प्रॉफिट डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ये फाइव थाउजेंड जो है ये आपका रेंट आ गया यहाँ पे और उसके बाद अगर आप देखें कि इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ये आपका सिक्स थाउजेंड जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इस्टाबलिशमेंट चार्जेस जो हैं वो सिक्स थाउजेंट आपका आ, आ गया जी प्रॉफिट एंड लॉस में उसके बाद आ, पेटेंट्स जो हैं ये आपका एसेट है जो आपके ट्रेड मार्क्स हैं या जो पेटेंट्स हैं ये आपका हमेशा एसेट uh, होता है तो ये आपका आ गया जी बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर उसके बाद अगर आप देखें तो इंश्योरेंस uh, आपका एक्सपेंस है और इसी तरह ट्रेड एक्सपेंसेस भी एक्सपेंस है तो ये दोनों आपके आगे इंश्योरेंस और ट्रेड एक्सपेंस एक्सपेंस साइड के ऊपर ट्रेड एक्सपेंस टू थाउजेंड एंड इंश्योरेंस फिफ्टीन हंड्रेड तो ये यहाँ पे मेंशन कर दिया आपने और उसके बाद सन्डरी क्रेडिटर्स इज़ योर लाइबिलिटी आपने इनको अमाउंट पे करनी है फ्यूचर में 19,000 थाउजेंड कैश आपका एसेट है शुड बी प्लेस्ड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट नाइनटीन थाउजेंड लाइबिलिटी एंड ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड इज योर एसेट तो ये आगे जी नाइनटीन थाउजेंड सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी और एसेट साइड के ऊपर कैश ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड ये आपने मैंशन कर दिए और उसके बाद आपकी एक चीज़ रिमेनिंग रहेगी और वो है मिसलिनियस रिसीट्स यानी कि आपने मुख्तलिफ रिसीट्स अमाउंट्स आपने वसूल करनी है इनडायरेक्ट रेवेन्यू है ये आपका तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड के ऊपर आ गया तमाम चीज़ें आपकी ट्रीट हो चुकी हैं जस्ट आप बैलेंसेस निकाल लें अगर आप डेबिट साइड देखें और क्रेडिट साइड तो क्रेडिट साइड इज़ लार्जर दैन डेबिट साइड

ये ये सारी आप माइनस करेंगे इसमें से तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो है सेवन नाइन सिक्स टू फोर पॉइंट फाइव ये आपका जो प्रॉफिट है ये ऐड हो जाएगा इधर कैपिटल में और आपका कैपिटल जो आ, फ्रेश कैपिटल है न, न, जो अपडेटेड कैपिटल है वो है वन सेवन एट सिक्स टू फोर पॉइंट फाइव अब जिस वक्त आप इसका एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को आप बैलेंस करेंगे तो ये दोनों बैलेंस आएंगे टू जीरो थ्री टू फोर पॉइंट फाइव 2.03824.5 तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने की आदत डालें और आएस्ता आएस्ता आपकी एक्सपर्टीज इसमें बढ़ती जाएगी इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए जी सबसे पहले एक्सप्लेन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पास जर्नल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो है जो आपके ऊपर ड्यू हो चुका है ये हमने अभी इस क्वेश्चन के अंदर भी देखे सैलरीज आउटस्टैंडिंग वेजेज आउटस्टैंडिंग, तो ये वो एक्सपेंस है जो आपके ऊपर ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक आपने इसको पे नहीं किया तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेंस विच इज ड्यू बट हैज़ नॉट बीन पेड इट इज़ एडिड टू स्पेसिफिक एक्सपेंसिस इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट एंड लॉस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस में एंड ऑल्सो इंक्लूडेड इन करंट लाइबिलिटीज इट्स एडजस्टिंग एंट्री विल बी एज फॉलोज एडजस्टिंग एंट्री जो है जिस वक्त आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रियलाइज होते हैं तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री याद रखनी बहुत आसान है कैसे कि सबसे पहले तो आप देखें एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस क्या है डेबिट और लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस क्या है क्रेडिट तो एक्सपेंस अकाउंट एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है सैलरीज भी हो सकती हैं रेंट भी हो सकता है विजेस भी हो सकती हैं तो ये एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है कैश अभी तक आपने पे नहीं किया जिस वक्त आप कैश पे करते हैं तो उस वक्त ये नीचे इसकी पेमेंट की एंट्री भी मैंने लिख दी है अदरवाइज़ उन्होंने जस्ट ये एंट्री आपसे पूछी थी लेकिन जिस वक्त आप इसको पे करते हैं तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आप कैंसिल कर देते हैं और कैश या बैंक जिस सोर्स से भी आप पे करें उसको आप क्रेडिट कर देंगे सेकेंड क्वेश्चन है जी वट इज़ बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट आपने अभी देखी है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की uh, एक पार्ट है बैलेंस uh, शीट जिसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम प्रेजेंट uh, करते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज एसेट्स लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी ऑन द पर्टिकुलर डेट इट इज़ ऑलसो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन और पोजिशनल स्टेटमेंट या पोजिशन स्टेटमेंट इसके जो एम सी क्यूज हैं द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज एट तो याद रखें कि बड़ी दफा ये एम सी क्यू पूछा जाता है मार्केट और कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो भी इनमें से कम हो विच एवर इज लेस उसके ऊपर क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया जाता है तो क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन हमेशा याद रखें कि क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट अभी आपने ख़ुद प्रैक्टिकली देखा है कि हम इसको ट्रेडिंग में एक तो मेंशन करते हैं और एक बैलेंस शीट के अंदर हम इसको मेंशन करते हैं uh, 2014 का जो क्वेश्चन है वो है जी कि ये आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है और ट्रायल बैलेंस के ये इसका आ गया ट्रायल बैलेंस और ओपनिंग स्टॉक है परचेस सेल्स एंड क्रेडिटर्स प्लांट एंड मशीनरी और फ्री ओल्ड प्रमिजेज एंड सो ऑन ये हम देखेंगे जूं जूं हम साथ चलेंगे तो ये परफेक्ट इसका ट्रायल बैलेंस के मना है क्योंकि डेबिट क्रेडिट साइड आप देखें बैलेंस दिए हुए हैं और साथ नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं और वी आर गोइंग तो टू सॉल्व इट एंड मेक आ, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तो फर्स्ट ऑफ ऑल Uh, जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में आपको कहता हूँ कि हमेशा स्टार्ट करें इसको एडजस्टमेंट uh, से तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जी वेजेस पे एबल रुपीज़ फाइव हंड्रेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जिसकी अभी बात हो रही थी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी तो दो जगह पे क्या ट्रीटमेंट है जी एक तो ये एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और दूसरा लेबिलिटी में चला जाएगा तो वेजेज़ हैं जी आपकी यहाँ पर सिक्स फाइव सेवन फाइव ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर हमेशा आता है ये और ये आपकी इसमें ऐड हो जाएंगी तो ये आ गई जी ट्रेडिंग में हमने इसको वेजेस को ऐड कर दिया और एक ये आपकी बैलेंस शीट में वेजेस आउटस्टैंडिंग जो हैं ये ट्रांसफ़र हो जाएंगी तो एक तो ट्रीटमेंट ये आ गई इसकी उसके बाद अगर आप सेकेंड एडजस्टमेंट देखें तो बैड डेट प्रोविजन टू बी एडजस्टेड टू टू परसेंट ऑन डेटस तो याद होगा अभी आपसे बात हुई है हमेशा फार्मूला फॉलो करें बैड डेट्स एड राइट ऑफ एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविजन हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगी जबकि राइट ऑफ और न्यू प्रोविजन ऑलवेज गिवन इन एडजस्टमेंट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम देखते हैं कि बैड डेट्स कितने हैं बैड डेट्स हैं जी 500 और ओल्ड प्रोविजन भी गिवन है 225 तो ये ओल्ड प्रोविजन भी गिवन है तो यहाँ पे हमने बैड डेट्स कर दिए 500 बैड डेट्स आपके आगे जी 500 और राइट right ऑफ़ हमेशा आपको एडजस्टमेंट से मिलेगा अगर हैं तो ठीक है अगर नहीं तो ज़ीरो लिख दें यहाँ पर राइट right ऑफ नहीं गिवन तो हम जीरो मेंशन कर देंगे राइट ऑफ ज़ीरो न्यू प्रोविजन इज़ टू सॉरी फ़ाइव परसेंट फाइव टू परसेंट ऑन डेटर्स सो जो प्रोविजन है इसकी uh, वो सॉरी वो टू परसेंट है डेटर्स के ऊपर तो संडी डेटर्स जो हैं एंड क्रेडिटर्स सन्डी डेटर्स आर योर एसेट्स एंड सन्डी क्रेडिटर्स आर लाइबिलटीज़ सो फेवरेबल बैलेंस ऑफ एसेट्स इज़ डेबिट एंड फेवरेबल बैलेंस ऑफ लाइबलिटी इज़ क्रेडिट सो सन्डी डेटर्स हैं आपके थर्टी थाउजेंड तो थर्टी थाउजेंड का आपने यहाँ पर लेना है जी टू परसेंट तो संडी डैटर्स का हम ले लेंगे टू परसेंट यहाँ पर इसका बाई डोंट नो कि इस प्रॉब्लम में ये टू परसेंट चेंज हुआ है या मेरे से हो गया चलें इसको देखते हैं तो ये आपका आ जाएगा जी थर्टी थाउजेंड का टू परसेंट जीरो पॉइंट ज़ीरो टू सिक्स हंड्रेड तो ये हम यहाँ पर कर देते हैं जी सिक्स हंड्रेड तो ये आपकी आगे न्यू प्रोविजन एंड ओल्ड प्रोविजन इज़ गिवन इंट्रायल बैलेंस दैट इज टू टू फाइव तो टू टू फाइव जो है जी वो आपकी यहाँ पर आ गई अब हम इसको uh, देख लेते हैं जी फाइव हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड माइनस टू टू फाइव इक्वल्स टू एट सेवेंटी फाइव एट सेवेंटी फाइव तो ऐट सेवेंटी फाइव आपकी आ गई है अब यहाँ पर ये जो आपने कैलकुलेट किया राइट ऑफ़ और न्यू प्रोविजन ये हमेशा सन्डी डेटर्स में से लेस होती है इसकी जो दूसरी ट्रीटमेंट है तो संडी डेटर्स जो हैं वो आपके हैं थर्टी थाउजेंड और ये एसेट में आप जाकर यहाँ पर ये आगे संडी डेटर्स और ये राइट ऑफ क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं है ज़ीरो है और जो न्यू प्रोविजन है न्यू प्रोविजन आपकी है सिक्स हंड्रेड तो न्यू प्रोविजन जो है ये आपकी बन जाएगी 600 और ये आपका जो बैलेंस बन जाएगा ये बन जाएगा 30,000 थाउजेंड माइनस सिक्स आपका बन जाएगा 29,400 ये आपकी बन गई सन्डी डेटर्स संडीटेटर्स आपके क्लियर हो चुके हैं अब उसके बाद हम चलते हैं जी आगे और देखते हैं अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट फाइव परसेंट जो आपका कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो फाइव परसेंट तो ये फाइव परसेंट लाजमी बात है आपने अभी पे करना है या आपने पे नहीं किया हुआ इसी वजह से एडजस्टमेंट में गिवन है तो सबसे पहले तो आपका कैपिटल कितना है जी फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड का फाइव परसेंट जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटस्टैंडिंग फ़िफ्टी थाउजेंट का फाइव परसेंट बन जाएगा जी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और ये ट्वेंटी फाइव हंड्रेड आपका लाइबिलिटी में भी चला जाएगा यानी अभी ये आपने पे नहीं किया ये आपने पे करना है तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ये आपने लाइबलिटी में बैलेंस शीट में लिख दिया और उसके बाद हम चलते हैं जी आगे और देखते हैं आगे ट्रीटमेंट क्या है आगे जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट फिफ्टीन थाउजेंड तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे आएगा एक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के ऊपर ये आ गया और एक आपका ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर आ जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड तो एडजस्टमेंट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं अब हम आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रेडिंग तो, उसका ट्रायल बैलेंस पे तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले ट्रेडिंग की डेबिट साइड के ऊपर आएगा तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमने ट्रेडिंग की डेबिट साइड के ऊपर मेंशन कर दिया उसके बाद परचेजेस एंड सेल्स परचेजेस आपका फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट है और सेल्स का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है बिकॉज ऑफ रेवेन्यू तो ये फोर्टी थाउजेंड आपकी परचेजेस हैं और ये आपकी सेल्स हैं अब यहाँ पर देखना ये है कि कहीं रिटर्नस तो नहीं गिवन अगर रिटर्न गिवन है तो हम माइनस करेंगे लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में रिटर्न नहीं है तो परचेज़ डेबिट में लिख देंगे और सेल्स हम क्रेडिट में ट्रेडिंग में तो ये आ गई जी आपकी परचेजेज़ फोर्टी थाउजेंड और ये आपकी आ गई सेल्स वन हंड्रेड थाउजेंड्स उसके बाद संड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स डेटर्स हम ट्रीट कर चुके हैं सेंड्री क्रेडिटर्स जो हैं ये लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में चली जाएगी एट वन टू फाइव तो एट वन टू फाइव सेंडरी क्रेडिटर्स आपने यहाँ पर मैंशन कर दिए उसके बाद अगर आप आगे चलें प्लांट एंड मशीनरी फ्री होल्ड प्रेमिज दीज बोथ आर एसेट्स फॉर यू ये आपके बैलेंस शीट में चले जाएंगे जी एसेट uh, साइड के ऊपर प्लांट एंड मशीनरी एंड फ्री होल्ड प्रेमिज और उसके बाद uh, आप आगे चलेंगे और सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैरेज आउटवर्ड इज़ आल्सो एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस और नॉट ओनली दिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये तीनों आपके प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे सैलरीज कैरेज आउटवर्ड एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसके बाद हम देखेंगे जी आगे ट्रेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सेवेंटी इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस बिकॉज इट इज़ गिवन इन डेबिट साइड एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और ट्रेड एक्सपेंस और इंश्योरेंस जो है ये आपके दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं तो ये हमने यहाँ पर ट्रीट कर दी अब आपके पास एक चीज़ रहेगी रिमेनिंग कैश इन हैंड तो ये आपका एसेट है ये बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के ऊपर चला जाएगा फाइव टू फाइव ज़ीरो तो ये अब आपका ये तो हो गए कम्प्लीट अब कैपिटल आपका फिफ्टी थाउजेंड था कैपिटल आपका ये फिफ्टी थाउजेंड आ गया और अब हमने एक चीज़ को क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए हैं इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर टू परसेंट था जबकि हमने फाइव परसेंट तो इसमें कुछ चेंजेस आएंगी ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया फाइव सेवन नाइन टू फाइव फाइव सेवन नाइन टू फाइव यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद हम देखेंगे जी कि हमारे पास Uh, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना बनता है तो फाइव सेवन नाइन टू फाइव माइनस फाइव थाउजेंड माइनस थ्री सेवेंटी फाइव माइनस फोर हंड्रेड माइनस सेवन फिफ्टी माइनस फाइव हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एंड माइनस एट सेवेंटी फाइव ये आपका बन गया फोर सेवन फाइव टू फाइव 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 यहाँ पर ऐड हो जाएगा और फिफ्टी थाउजेंड प्लस फोर सेवन फाइव टू फाइव ये आपका बन जाएगा नाइन सेवन फाइव टू फाइव नाइन सेवन फाइव टू फाइव नाइन सेवन फाइव टू फाइव प्लस एट वन टू फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एंड प्लस फाइव हंड्रेड ये आपका बन जाएगा जी वन जीरो एट सिक्स फाइव जीरो वन जीरो एट सिक्स फाइव ज़ीरो और आपकी जो एसेट साइड है उसको भी आप कंफर्म कर लें और ये एसेट साइड की भी आपकी इक्वल है तो ये इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बराबर है अब 2014 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें एक है डिफाइन कंटिजेंट लाइबिलिटीज तो कंटिजेंट लाइबिलिटी जो है ये आपकी एक्सपेक्टेड अनसर्टन फ्यूचर लाइबिलिटी होती है जो कि पॉसिबल लाइबिलिटी होती है कंटिजेंट लाइबिलिटीज आ लाइबिलिटी विच इज नॉट श्योर बट इट मे बी अकर

वो हारने का इम्कान है जिसके अंदर कुछ फाइनेंशियल पेनालिटीज़ आपको पे करनी पड़ जाएँ या आपकी प्रोडक्ट हैं उसकी अगर वारंटी क्लेम्स वगैरह अगर आपके ऊपर पड़ जाएँ तो वो आपकी फ्यूचर लाइबिलिटी है और ये कंटिजेंट लाइबिलिटी है वट इज़ मैंट बाई बैड डेट रिकवर्ड देखें बैड डेट्स आपका वो पैसा है जो कि आपको मिलने का इम्कान नहीं है लेकिन अगर वो रिकवर हो जाए तो इट इज़ अमाउंट विच वॉज़ कंसिडर्ड एज़ अनरिकवरेबल बट इट इज़ रिकवर्ड

तो ये जिस वक्त भी बैड डेट्स बैड डेट्स अभी हम क्वेश्चंस में भी देखते रहें देखें डेबिट साइड के ऊपर हम इसको लिखते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेंस कि ये uh, हमें मिलने का इम्कान नहीं है और ये एक्सपेंस डर हो चुका है लेकिन जिस वक्त ये मिल जाते हैं तो हम इसको रिवर्स करते हैं रिवर्स uh, क्या है कि डेबिट का रिवर्स है क्रेडिट तो एक तो ये है कि हम इसको क्रेडिट कर देते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड और बदले में आपको कैश मिलता है या थ्रू बैंक अमाउंट मिलती है तो आप उसको कैश या बैंक दोनों आपके एसेट हैं आप उसको डेबिट कर देते हैं थर्ड क्वेश्चन डिफाइन बैलेंस शीट हम अभी प्रीवियस uh, पेपर में भी ये क्वेश्चन गुजरा है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है जिसके अंदर आप एसेट्स लाइबिलिटीज ऑनर्स इक्विटीज़ को कैपिटल uh, जो है आपका ये ऑनर इक्विटी कहलाता है ये आप उसमें मैंशन करते हैं और इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन और पोजिशनल uh, स्टेटमेंट भी आप इसको बोलते हैं थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाई अनअर्न रेवेन्यू अन रेवेन्यू वो रेवेन्यू है कि जिसके अंदर आप सर्विसेस uh, जो आपने uh, अभी देनी है लेकिन उसका पैसा आप पहले रिसीव कर चुके हैं अन अर्न रेवेन्यू इज एन अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड इन एडवांस अगेंस्ट द सर्विसज और प्रोडक्ट विच हैज नॉट बीन डिलीवर्ड और प्रोवाइडेड इट इज़ ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम इन द प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट एंड प्लेसड इन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इट्स जर्नल एंट्री विल बी एज फॉलोज तो सबसे पहले तो जिस वक्त भी आप कोई ऐसा रेवन्यू रिसीव कर लें ऐसा पैसा आप रिसीव कर लें जिस पैसे के अगेंस्ट देखें दो ही चीज़ें आप दे सकते हैं ना या सर्विसेज देंगे या प्रोडक्ट देंगे ऐसा पैसा जिसके बदले में अभी तक आपने सर्विसेज नहीं दी और प्रोडक्ट नहीं दी तो पहली बात तो यह है कि वो पैसा आपके ऊपर लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में हम उसे लायबिलिटी में प्लेस करते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि हम Uh, वो जो पैसा है उसका जो रिस्पेक्टिव हेड है हम उसमें से उसको रेवेन्यू साइड से माइनस कर देते हैं इसकी जो जर्नल uh, एंट्री है वो है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि आप कैश रिसीव कर रहे होते हैं इसमें और अन अर्न रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट बिकॉज ऑफ लाइबिलिटी ये हम इसको लाइबिलिटी uh, साइड के ऊपर क्रेडिट कर देते हैं और जिस वक्त आप वो सर्विसेज या प्रोडक्ट पार्शली या फुली जिस वक्त आप डिलीवर कर देते हैं तो उस वक्त इस अनअर्नड रेवेन्यू को आप कैंसिल कर देते हैं यानी कि उसको डेबिट कर देते हैं और जो रेवेन्यू अकाउंट है वो रेवेन्यू उसका कोई भी नाम है उसको आप क्रेडिट कर देंगे तो ये थे जी चार क्वेश्चन इसके अब इसके जो एम सी क्यूज़ हैं तीन एम सी क्यूज हैं ऑल दोज एक्सपेंसिस विच हैव नॉट बिकम ड्यू बट पेड इन एडवांस आर कॉल्ड प्री पेड एक्सपेंस ऐसे तमाम एक्सपेंस जो अभी तक आपके ऊपर ड्यू नहीं थे लेकिन आपने एडवांस में पे कर दिए तो उनको हम प्री पेड एक्सपेंसिस बोलेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज़ आर मेड याद रखें हमेशा अकाउंटिंग ईयर अकाउंटिंग पीरियड के एंड के ऊपर ये की जाती हैं और एक्सेस ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी इज़ कॉल्ड कैपिटल यानी कि एसेट्स जो हैं वो लाइबिलिटी से अगर ज़्यादा हैं तो वो जितने ज़्यादा हैं वो कैपिटल है तो ये थे जी इसके दो पेपर्स रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट्स और मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो Until the next video, stay blessed, take care of yourself and other persons around you. Thank you.